हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं। स्मार्ट बाइट के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम एक ऐसा ऐप सीखेंगे जो कि इस लॉकडाउन के समय में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। चाहे स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, ऑफिस जाने वाले लोग हों या फिर घर में बैठे फ्रेंड्स हों, ये ऐप आजकल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, शायद आपने गेस कर लिया होगा, ये ऐप है जूम ऐप, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऐप है। ये ऐप बनाने के लिए हमें काफ़ी रिक्वेस्ट्स आई थी, तो आज हम आपके सामने ये ऐप ला रहे हैं। ये ऐप हर किसी इंसान के लिए, चाहे मीटिंग करना हो, किसी को कुछ सिखाना हो या अपने फ्रेंड्स के साथ बात ही क्यों ना करनी हो, इस ऐप से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप ये ऐप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पहले से कई सारे ऐप्स थे, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया या स्काइप हो गया। तो फिर ये जूम ऐप इतना पॉपुलर क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि पहला एक रीज़न है कि इसमें आप बहुत सारे मल्टीपल यूज़र्स एक ही साथ मीटिंग कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ यूज़र्स के लिए लिमिटेड नहीं है और आप बहुत सारे यूज़र्स एक साथ ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। प्लस इस ऐप में ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो कि इसे दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से बेहतर बनाता है, जैसे कि स्क्रीन शेयरिंग या वाइट बोर्ड का ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं कि हम जूम ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाकर जूम ऐप डाउनलोड करेंगे। इसके लिए प्ले स्टोर खोलने के बाद आप सर्च बार पर जूम टाइप कीजिए। यहाँ पर मुझे जूम का ऑप्शन मिल गया है। यहाँ पे ये जूम क्लाउड मीटिंग्स का ऐप आपको डाउनलोड करना है, ये इंस्टॉल पे क्लिक करके। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप ओपन पे क्लिक कीजिए। तो ऐप डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप एक टीचर हैं जिसे एक मीटिंग क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप एक स्टूडेंट है तो यहाँ पे आप ज्वाइन अ मीटिंग पे क्लिक करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि टीचर्स मीटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे आप अपने गूगल से या फेसबुक से अपना अकाउंट बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे ऊपर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल पे टैप कर रही हूँ अकाउंट बनाने के लिए। तो आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल या फिर शेयर स्क्रीन का। तो अगर आपको कोई न्यू मीटिंग स्टार्ट करनी है तो हम यहाँ पे न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक वीडियो का और एक यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी का। तो यहाँ पे आप वीडियो का ऑप्शन अगर ऑन रखेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा और आपका वीडियो ऑन रहेगा। यहाँ पर ये जो PMI या पर्सनल मीटिंग आईडी है, ये आप आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसे डालने के बाद वो मीटिंग ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो का ऑप्शन ऑफ कर रही हूँ और मैं मीटिंग स्टार्ट करके आपको बताती हूँ कि हम मीटिंग में और क्या क्या ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट मीटिंग पे मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पे ये मीटिंग से कनेक्ट हो रहा है। जैसा आप नीचे देख सकते हैं, मेरे पास कुछ ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है म्यूट का। अगर यहाँ पे मैं ये म्यूट पे क्लिक कर दूंगी तो अब मेरी आवाज़ किसी को जाएगी नहीं, और यहाँ से फिर से टैप करने पे मैं खुद को अनम्यूट कर सकती हूँ। फिर है स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन। अगर मुझे मेरा फेस कैम ऑन करके वीडियो दिखाना है तो यहाँ पे स्टार्ट वीडियो पे मैं क्लिक कर सकती हूँ। फिर उसके बाद वाला ऑप्शन है शेयर का। अब इस पर टैप करके मेरे पास आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन आते हैं। शेयर का मतलब ये है कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी वो इस मीटिंग के बाकी सारे पार्टिसिपेंट को भी दिखाई देगा, यानी कि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनकी स्क्रीन पर भी वो शेयर डॉक्यूमेंट आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं मेरा अगर स्क्रीन शेयरिंग ऑन करती हूँ तो यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन है वो यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद मेरी स्क्रीन जो है वो यहाँ पे दिख जाएगी। पहले यहाँ पे मुझे अलाउ पे क्लिक करना होगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन शेयर करने के बाद जो भी मेरे स्क्रीन पर है ये मेरे स्टूडेंट्स की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं कि ये शेयर में मेरे पास दूसरे कौन से ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन है फोटो डॉक्यूमेंट, फोटो और डॉक्यूमेंट का। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी फोटो या डॉक्यूमेंट्स आपके स्टूडेंट्स के स्क्रीन पर भी दिखाई देगा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर एक यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है शेयर व्हाइट बोर्ड का, जिससे कि अगर आप कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो आप ये शेयर व्हाइट बोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक ब्लैंक स्क्रीन मेरे फ़ोन पे आ गई है। तो यही स्क्रीन जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ़ोन में भी आ जाएगी। और अब आप इस पे पेन पे क्लिक करके अब यहाँ पे आप अगर जो भी लिखना चाहेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यही सेम चीज़ स्टूडेंट्स के भी फ़ोन में आ जाएगी। तो ऐसे अगर आप स्टूडेंट्स को कुछ लिखकर सिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे सिखा सकते हैं। तो हम स्टॉप शेयरिंग पे जाते हैं। अब अगर आपको देखना है कि आपकी मीटिंग में कौन कौन से स्टूडेंट्स और कौन कौन यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मोर का भी ऑप्शन है, तो इससे आप ऑडियो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा जो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को आप कोई मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको उनको पर्सनल पे भेजना है, या अगर आपको सारे स्टूडेंट्स के साथ एक ही मैसेज कन्वे करना है तो आप सभी को एक साथ भी मैसेज भेज सकते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है साउंड का, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो म्यूट हो जाएंगे और कोई भी कुछ बोल नहीं पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मीटिंग क्रिएट करने का और एक ऑप्शन है, जिससे आप एडवांस में मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को पहले से बता के उन्हें इनवाइट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहले हमें मीटिंग का नाम डिसाइड करना है, तो उसके लिए मैं एक नाम रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम सैम्पल मीटिंग रखा है। अभी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस है डेट सेट करने के लिए और टाइम सेट करने के लिए। अगर आप ये मीटिंग को एक डेली बेसिस, वीकली बेसिस या बार बार उसे रिपीट करने वाले हैं तो यहाँ पे आप रिपीट पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, एवरी डे, एवरी वीक, या फिर जो आप सिलेक्ट करना चाहें। उसके बाद आप इसमें अपना पर्सनल मीटिंग आईडी यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं, वो भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। आप मीटिंग के लिए यहाँ से एक पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आप अगर आपको आपका वीडियो ऑन रखना है या फिर आपको पार्टिसिपेंट्स का वीडियो ऑन रखना है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और ऑप्शन है यहाँ पे आपका ऐड टू कैलेंडर करने का, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारी मीटिंग्स हैं और आपको उन्हें कहीं पे सेव करके रखना है तो यहाँ से आप ऐड टू कैलेंडर ऑन करके डायरेक्टली अपने कैलेंडर में ये मीटिंग्स को सेव कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स आपके हो जाने के बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपकी मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आता है आपको कि आप इनवाइट्स भेज सकते हैं लोगों को आपकी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए जीमेल और आउटलुक द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये मीटिंग मैं अभी भी स्टार्ट कर सकती हूँ, या फिर अगर मुझे और लोगों को इनवाइट करना है तो यहाँ पे मैं ऐड इनवाइट्स पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शंस हैं जीमेल, आउटलुक, ट्रू कॉलर, मैसेंजिंग या स्काइप द्वारा सेंड करने के। आप इसके लिंक को यहाँ पे कॉपी करके उसे कोई और जगह पे पेस्ट करके भी किसी को इनवाइट भेज सकते हैं। तो हमने देखा कि इन दो तरीक़ों से हम कोई भी मीटिंग को कैसे जूम ऐप पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कोई मीटिंग जो आपके टीचर ने स्टार्ट की है वो ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मीटिंग आईडी डालना है जो आपके टीचर ने आपके साथ शेयर किया होगा, यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको आपका पर्सनल आईडी डालने के बाद नीचे दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप डोंट कनेक्ट टू ऑडियो का ऑप्शन ऑन करेंगे तो आप जो भी बोलेंगे वो आपके दूसरे पार्टिसिपेंट्स को मीटिंग में सुनाई नहीं देगा। और यहाँ पे टर्न ऑफ वीडियो, ये ऑन करके आपका वीडियो ऑफ ही रहेगा। तो यहाँ पे
आपके सेटिंग्स करने के बाद आप ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड जो मीटिंग का टीचर ने मेरे साथ शेयर किया होगा वो यहाँ पे मैं डालूँगी। और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड डालने के बाद ये मीटिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर स्टूडेंट्स के पास ज्वाइन करने का और एक ऑप्शन होता है, अगर आपके टीचर ने आपके साथ मीटिंग का लिंक शेयर किया है तो आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं और आपको आईडी और पासवर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मीटिंग का मेरे पास इन्विटेशन है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर जूम सेलेक्ट करूँगी। तो ये सिलेक्ट होने के बाद ये कनेक्ट यहाँ पर अभी हो रहा है और आप देख सकते हैं कि इस बार मुझे आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाऊँगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, आप जूम ऐप यूज़ करना सीख गए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं अगले वीडियो के टॉपिक के लिए, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारे ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।